हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट हमने पढ़ लिया, कंटिन्यूटी पढ़ लिया, और अब हम इस चैप्टर जो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, जो तीनों का मिला के थर्ड टॉपिक जो है डिफरेंशिएबिलिटी, उस पर आज चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम मैंने क्या बोला, मैं एक बार के लिए लिख देता हूँ टॉपिक की, जो कि आज डिस्कशन जिस चीज पे करना है, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंसिबिलिटी पे आज चर्चा करना है। डिफरेंसिबिलिटी तो पहले तो ये जान लेते हैं कि देखो, आईआईटी में दोनों को मिला के आपका जे कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी का मिला के मिक्स क्वेश्चन पूछता है, चाहे एडवांस में हो चाहे मेंस में हो। एक सवाल तो पक्का ही है लगभग, मोर ओवर आप हर साल देखेंगे तो एडवांस के भी फर्स्ट सेकेंड पेपर में एक सवाल जरूर रहता है कि चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी। या सवाल फंक्शन दे के फिर बोल देगा फंक्शन में कि ऑप्शन के इसके चार होंगे, उसमें से मोर देन वन करेक्ट वाला ऑप्शन आएगा, जिसमें से ये रहेगा कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यू है, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। इस तरह की चीजें आपका आईआईटी के एडवांस में भी पूछता है, मेंस में। आजकल तो मेंस में ज्यादातर पेपर होने लगे हैं, तो और जब ज्यादातर पेपर होने लगे हैं, यानी कहने का मतलब है कई शिफ्ट में अब तो एनटीए करा रही है पेपर, तो ऐसे केस में कई सारे क्वेश्चंस आपको डिफरेंसिबिलिटी, कंटिन्यूटी पे या तो मिक्स या तो बस डिफरेंसिबिलिटी या बस कंटिन्यूटी पे आता है। और होता सबसे आसान है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, चाहे वो आईआईटी के एडवांस के पर्पज से आप देखो, या मेंस के पर्पज से देखो, या किसी भी अदर स्टेट एग्जाम के लिए। तो और बहुत ही, तो वो तो आप जो अदर स्टेट एग्जाम के लिए हो तो मैं पढ़ाऊंगा, तो ऐसे आप पता चल जाएगा कि सवाल देखते ही किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए, मैं गारंटी देता हूँ, सवाल देखते ही आप बता दो कि हाँ ये इस पॉइंट पर डिफरेंसिएबल होगा या नहीं होगा, या कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो ये चीज आप हम पढ़ेंगे डिफरेंसिबिलिटी। क्या पढ़ना है अपने को, डिफरेंसिएबिलिटी। यानी पहला पॉइंट अगर मैं लिखूं कि डिफरेंसिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंसिएबिलिटी तो ये होता क्या है कि आप डिफरेंसिबिलिटी, जैसे मैंने कहा था कि जो लिमिट होती है वो आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ इग्नोरेंस होती है, मतलब वो चीजों को, यानी जो बिल्कुल जो एकदम सबसे स्मॉल डिफरेंस है, बहुत ही बेहद छोटा सा वाला डिफरेंस है, उसको इग्नोर करने का कॉन्सेप्ट आपका लिमिट कहलाता है। वैसे ही मोटा माटी आप कहें कि पूरे ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में हम किस चीज पे फोकस करेंगे, या क्या जब हर चीज फंस जाएंगे तो कौन सी ऐसी बात होगी जो हमको हर मुसीबत से बाहर निकालेगी। होता है ना रामबाण दवाई, रामबाण इलाज, जहां पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है वहां पे हम उसको यूज कर लेते हैं तो ठीक ही होना है उससे। तो वही है कि ये आपका डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी का मेन कॉन्सेप्ट होता है यूनिक टेंजेंसी, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिक टेंजेंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिक टेंजेंसी। अब ये यूनिक टेंजेंसी क्या वाला है, यूनिक टेंजेंसी क्या बोला है, तो क्लास इलेवेंथ में आपने पढ़ा होगा यूनिक टेंजेंसी का मतलब होता है कि भाई यूनिक का मतलब होता है कि सिंपल, मतलब उसके वहां पे उसके जैसा कोई और नहीं, पहली बात। दूसरी टेंजेंट हम क्लास इलेवेंथ में पढ़ा होगा कि टेंजेंट बहुत सारे, जैसे हमने सर्कल पे, पैराबोला पे, इलिप्स पे हमने टेंजेंट खींची हुई है, तो वही कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट हो जाए, उसी के कॉन्सेप्ट को अगर ये कंजर्व कर लेता है, प्रिजर्व कर लेता है, तो ये कहलाएगा डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो कंसेप्ट ऑफ यूनिक टेंजेंसी। और मैं किसी पे जोड़ दू थोड़ा सा कि एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट हो जाए तो उसी को आपको, अगर उसके बारे में चर्चा करता है, उसको कंजर्व कर लेता है, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। ये तो पूरा ओवरऑल जो चैप्टर है वो, उसमें हम बात ही करेंगे यूनिक टेंजेंसी के बारे में, बोलेंगे नहीं लेकिन आपको दिखाएंगे कि क्यों उसको बोलने का, टेंजेंट को बोलने का हमारा नाम तरीका बदल जाएगा बस, लेकिन होगा मतलब वही। सेकेंड पॉइंट पे अगर मैं बात करूं कि डिफरेंशिएबिलिटी का एक और नाम होता है, डिफरेंशिएबिलिटी का और नाम होता है, कुल मिला के पहला दिन थोड़ा भारी हो जाता है। पहला दिन मैं बता रहा हूँ कि पहला दिन जब मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा भारी हो जाता है, अगर इसको आप ध्यान से समझ लेंगे तो जो कॉम्प्लिकेटेड कठिन सवाल, जो एडवांस में जो सबसे कठिन सवाल जो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, उसके बाद उसको भी आप बड़ा ही आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए पहला लेक्चर को मैं हमेशा आप लोगों से बोला हूँ, स्टार्टिंग से जिस भी क्लास में पढ़ाया हूँ, तो आप लोगों को याद होगा कि मैं बोला हूँ कि पहला लेक्चर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे पूरे लेक्चर के दौरान जब भी
होता है तो कॉन्सेप्ट यही यूज करते हैं कि हाँ हमने वहां पढ़ा था ये बात, या ये चीज हमारी स्टार्टिंग के पहला दिन याद करो कि मैंने बताया था ये चीज। तो जब कोई चीज आपको फील लेना होता है तो पहले चीज पे हमें बोलता हूं कि स्टार्टिंग के पहला लेक्चर पे आप याद करो कि ये चीज हुई थी, और हुई थी मतलब कि वहां पे ये बात प्रूफ होती है। तो डिफ्रेंसिबिलिटी का एक और मतलब होता है, कई बार लोग इसको डिफ्रेंसिएशन भी बोलते हैं, या इसको मैं कहूं कि डेरिवेबिलिटी भी होती है। डेरिवेबिलिटी भी होती है, या फिर आपका तीसरा है, कई बार डिफ्रेंसिबिलिटी को डेरिवेटिव भी बोलते हैं, कई बार डिफ्रेंसिबिलिटी को डेरिवेटिव भी बोलते हैं। और डेरिवेटिव का दो मतलब होता है, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है और एक आपका ज्योमेट्रिकल और एक मैथमेटिकल मीनिंग होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग और फिजिकल मीनिंग होता है, ज्योमेट्रिकल और एक फिजिकल मीनिंग होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग जिसको कि हम मैथ्स में सबसे ज्यादा यूज करेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और एक होगा फिजिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग को भी हमने, आप लोगों ने फिजिक्स में खूब पढ़ा होगा, पहला दिन ही पढ़ा होगा जब फिजिक्स के काइनेमेटिक्स पढ़ते होंगे। इसको जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है वो क्या देता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ कर्व, किसी कर्व का, कर्व एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे किसी टेंजेंट का स्लोप देता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई dx। अब आप कहोगे सर क्या हमेशा dy बाई dx से ही रिप्रेजेंट करते हैं? तो नहीं, अगर फंक्शन y बराबर fx है तो dy बाई dx, मान लो gx है तो dg बाई dx, अगर hx है तो dh बाई dx। अगर जो फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो देगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो जो जिस पॉइंट के लिए बात किया जाएगा, जिस पॉइंट के लिए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट आपका x इक्वल टू a लिख दो तो इस a पॉइंट पे, अदरवाइज हम जिसको नॉर्मली कहते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। और मैं पॉइंट हटा दिया चूंकि हम यहां पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं। फिजिकल मीनिंग क्या होता है भाई? आप लोगों ने फिजिकल मीनिंग भी पढ़ा होगा इसका, डेफिनेटली। क्या होता है फिजिकल मीनिंग? आपने पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है? मैं लिख देता हूं यहां पे, देखो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है ये dy बाई dx। जैसे कि फिजिक्स में पढ़ा होगा कि भाई dx बाई dt को आप लोगों ने क्या नाम दिया था? वेलोसिटी नाम दिया था। याद करो कि आप लोगों ने यहां पे फिजिक्स में इसको वेलोसिटी नाम दिया था। फिर डीवी बाई डीटी, इंस्टेंटेनियस रेट इन चेंज इन वेलोसिटी, आपने क्या दिया था? इसका नाम आपने एक्सेलरेशन दिया था। तो ऐसे ही भाई जो भी जैसे है यह चीज आपका कि नहीं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है फिजिक्स के लिए, जबकि मैथ में, यानी यहां पे हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग और मेनली इसी पे बात करेंगे जो कि नाम होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका असली मतलब होता है हमारे लिए क्या होता है मैथ्स में, हम इसको किस बात पे ज्यादातर फोकस करेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी भी टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx देता है। स्लोप को कई बार हिंदी में स्लोप को प्रवणता बोलते हैं, अंग्रेजी में स्लोप ऑफ टेंजेंट के नहीं, स्पर्शी की प्रवणता के बारे में dy बाई dx बताएगा। बात पकड़ में आ रही है? ठीक है, आओ थोड़ा नेक्स्ट पे बात करते हैं। और नेक्स्ट हम ये देखने वाले हैं कि क्या ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, थोड़ा सा इसका ग्राफ के बारे में देखते हैं। तीन पॉइंट हो गया, चौथे पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके ग्राफ, थोड़ा सा इसको ग्राफिकली देखा जाए, ग्राफिकली इसी चीज को जरा ग्राफिकली डिस्कस किया जाए कि कैसे ये चीज दिखेगी। तो हमने 11th में खूब काम किया है इसके ऊपर। जैसे देखो, ये अपने पास कोई ये फंक्शन है, ये y इक्वल टू एफ एक्स कोई सा फंक्शन है, इस पॉइंट पे अपने को टेंजेंट के बारे में पता करना है। तो ये देखो, ये आपका टेंजेंट हो गया, देखो ये आपका इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा, यही इस पॉइंट पे टेंजेंट है।
पॉइंट कौन सा है, हमने बहुत बार बात कर लिया कि ये वाला पॉइंट x इक्वल टू a है, बात समझना, ये वाला पॉइंट हमने कहा x इक्वल टू a है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है, तो क्लास 11th में हमने बताया था कि टेंजेंट होता है वो x एक्सिस से इंक्लिनेशन झुकाव होता है, ये वाला एंगल थीटा जिसको कि हम बोलते हैं टेन थीटा, इसी का ये वाला एंगल थीटा है, यही से स्लोप हम बोलेंगे इस टेंजेंट का कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो भाई हमारा लिखने का तरीका यह है कि हम लिखेंगे स्लोप और नीचे लिखेंगे, मतलब हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम क्या लिखेंगे टेन एक्स टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा, क्योंकि आपको याद पता था कि टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाई लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप, यानी इंक्लिनेशन कितने का इंक्लिनेशन है उसका टेन आपका स्लोप कहलाएगा। यहां से इसी को हम इसके लिए बोलेंगे कि ये डी वाई बाई डी एक्स है और किस पॉइंट पे, कहां पे, तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू ए, ये लिखने का तरीका है कि x इक्वल टू ए की वैल्यू ये dy वाई बाई डी एक्स क्या करते हैं, पहले dy वाई बाई डी एक्स निकालेंगे फिर आपका उसमें x इक्वल टू ए पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी डायरेक्ट tan थीटा की वैल्यू आएगी, ये कहलाता है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी इसका ग्राफिकली हम इसको देख लिए कि dy वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है। अब जरा सा हम इसके जरा देखते हैं कि एक और इसमें वादे, तो हमने ग्राफिकली बात किया, जरा ये टेंजेंट जिस दिन बना होगा, जिस भी दिन टेंजेंट बना होगा उस दिन टेंजेंट बनने से पहले क्या रहा होगा, आओ थोड़ा सा उसके बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं। आओ पांचवें नंबर के पॉइंट पे मैं बात कर रहा था, बात करने वाला हूं बच्चों कि पांचवें नंबर का पॉइंट आपका चार चौथे वाला पॉइंट मैंने ग्राफिकली बताया, मैंने फिर बोला इसी में आपसे कि क्या डायरेक्ट तो टेंजेंट बनी नहीं होगी, क्या हमने आपका ये ग्राफ जो बनाया था, जो ये ग्राफ बनाया है कि ऐसे कोई है यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ये आपका x इक्वल टू a है, ये आपका टेंजेंट है, यही आपकी टेंजेंट हो गई इस पॉइंट पे, जरा ध्यान से सुनना, तो ये टेंजेंट बनने से पहले अगर मैंने इसको इधर उड़ा दिया, इधर उड़ा दिया, जरा देखो ये वही वाली लाइन जो ये वाली लाइन आ रही है, क्या ये वाली लाइन जो ये लाइन आ रही है ये आते आते कभी एक बार ये टेंजेंट बनी क्या, क्या वाली लाइन एक बार टेंजेंट बनी क्या, मतलब ये टेंजेंट बनने से पहले अगर मैं कहूं इतनी दूरी को तो ये कॉर्ड कहलाएगी, या एक और टर्म यूज करूं तो इसका नाम होता है सेकेंड, यानी ये जो ना जो लाइन्स है इधर वाली, इस लाइन्स को हम बोलते हैं सेकेंड, ये सेकेंड होती है, सेकेंड किस साइड की सेकेंड है, राइट साइड की सेकेंड है, तो क्या ऐसे ही जिस दिन ये सेकेंड आते आते नीचे आएंगे तो नीचे का मतलब कि ऐसे पीछे भी जाएंगे, तो क्या ऐसे ही ये पीछे भी सेकेंड बनेगी क्या, ऐसे जरा देखो तो बच्चों ये पीछे भी ऐसे ही सेकेंड बनेगी, यानी इधर भी ये सेकेंड है, और ये दोनों सेकेंड जरा ध्यान से देखो, लेफ्ट वाली सेकेंड राइट वाली सेकेंड, लेफ्ट वाली सेकेंड जिस दिन ये वाली सेकेंड आपका नीचे आते आते, इस वाली सेकेंड नीचे आते आते जिस दिन ये वाली लाइन बन गई ये लाइन, और ये वाली सेकेंड आते आते नीचे जिस दिन ये वाली लाइन बन गई, तो जिस दिन दोनों सेकेंड राइट और लेफ्ट वाली सेकेंड एक हो गई तो ये क्या बन गया टेंजेंट, मतलब कि इसका दूसरा समझने का यह तरीका है कि लेफ्ट और राइट सेकेंड अगर सेम हो जाए तो आपका उसको कहेंगे कि वो आपका वहां पे टेंजेंट बन गया, लेकिन ये तो हर बार हम सेकेंड बना के चेक करें ये तो हमारे लिए संभव नहीं है कि हम हर बार चल रहे हैं हाँ चलो राइट का सेकेंड बनाए लेफ्ट का सेकेंड बनाए दोनों को ले आके बराबर करें फिर ये करें, मैथमेटिकली कैसे इसी चीज को बोलेंगे कि राइट लेफ्ट की सेकेंड क्या हो रही है, जरा देखो मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे, मैथमेटिकली आपने क्लास 11th में कई बार ये काम किया है और वही वाली काम फिर से मैं यहाँ पे करा के आपको पूरा आपको डिफरेंसिबिलिटी की जो डेफिनेशन है वही मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, देखो ये वाला है आपका, ये है आपका x इक्वल टू a, फिर मैंने कहा ये राइट सेकेंड है और ये वाला आपका लेफ्ट सेकेंड है, ये राइट सेकेंड का मतलब कि मैंने कहा ये वाला कोई पॉइंट आपका जो है वो इससे आगे है a प्लस h है, ध्यान से भी देखना मैंने काफी दूरी का पॉइंट a से काफी दूर का पॉइंट h ले रखा है, जबकि आज तक हमने क्या करा है कि भाई h जो है कि a से बहुत नजदीक होता है, हमने उतना नजदीक अभी नहीं दिया, देंगे घबराना नहीं है देंगे उसको, लेकिन अभी तो आपको समझना है ये पीछे का पॉइंट है, तो मैंने
जितना कुछ उतने ही दूरी पे a माइनस एच है, ये वाला सेकेंड है। अगर ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, अगर ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, तो जरा बताओ इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? क्या ये वाला पॉइंट a कामा एफ ऑफ a हो जाएगा? क्या क्या इस पॉइंट पे मैं x की वैल्यू a रखूंगा तो a कामा एफ ऑफ a दे देगा? इस पॉइंट पे मैं a प्लस एच रखूंगा तो ये a प्लस एच कामा एफ ऑफ a प्लस एच। अरे भाई देखो, समझना, अरे ऑर्डिनेट, आपको अब्सिशन ऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं। कैसे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट का मैं वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट जब ए प्लस एच रखूंगा एक्स की वैल्यू, तो वाई कोऑर्डिनेट आपका एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा। फिर पीछे वाले इस पॉइंट क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट एक्स की वैल्यू ए माइनस एच है और वाई की वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस एच है। मैंने क्या कहा कि भाई ये वाली चीज टेंजेंट हो जाएगी कब? जब लेफ्ट वाली सेकेंड और राइट वाली सेकेंड बराबर हो जाए। कब? लेफ्ट वाली सेकेंड और राइट वाली सेकेंड बराबर हो जाए। और आप क्लास 11th के स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे कि दो स्ट्रेट लाइन एक सेम होने का मतलब होता है कि दोनों का स्लोप क्या हो जाता है? इक्वल। दोनों लाइन का क्या चीज इक्वल हो जाता है? स्लोप। तो जरा इसका स्लोप बताओ। ये चूंकि राइट हैंड साइड का सेकेंड है, तो जरा इसका स्लोप बताओ। स्लोप ऑफ सेकेंड, राइट साइड सेकेंड, आर एच, मैं पूरा लिख देता हूं, राइट साइड सेकेंड, सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चों? जरा बताओ तो क्या यहां से, क्या ये वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन यानी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए से कट गया, ये हो जाएगा क्या? और इस जरा इधर का सेकेंड बताओ, यानी स्लोप ऑफ लेफ्ट साइड, लेफ्ट, मैं यहां पे भाई जरूर आपके लिए कठिन कर रहा हूं, मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, ये चीज आपको सेकेंड वगैरह नाम सुनकर बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन यही चीज है जो आपको असली डिफरेंशिएबिलिटी की फील दे जाएगी कि हाँ अब फंक्शन को मैं कह सकता हूं कि हाँ यार अब तो हम डिफरेंशिएबल है। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, दोनों इक्वल होने पर फंक्शन डिफरेंशिएबल क्यों हो जाता है, ये सारी चीजें यही वाला पॉइंट आपका एक्सप्लेन करता है। तो ये हो जाएगा इसका स्लोप अगर हमको लिखना होगा। देखो मैं लिख रहा हूं, जरा दूसरा कलर का चौक यूज कर रहा हूं, यहां पे हो जाएगा f ऑफ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन, यहां पे आ जाएगा आपका a माइनस h माइनस a। मतलब क्या कि लेफ्ट हैंड साइड की सेकेंड, अब चलो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड का स्लोप है और लेफ्ट हैंड साइड के स्लोप का मैं दूसरा नाम क्या बोला हूं? डेरिवेटिव। क्या नाम बोला हूं? डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जरा मैं बोलो देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हमने निकाला? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के सेकंड का स्लोप है ये, तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव हो गया। क्या हो गया? हमने क्या कहा? एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच और माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, ए से ए कट गया। और ये राइट हैंड साइड का, ये राइट हैंड साइड वाला क्या है अपने पास? राइट हैंड साइड का भी जो स्लोप है उसको मैंने डेरिवेटिव बोला। और ये क्या है अपना? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन प्लस एच। पर अभी रुक जाना, ये डेरिवेटिव यही नहीं हुआ, अभी कहां हुआ? जिस दिन इस, अब देखो क्या, अब पर्पज असली सुनो, जिस दिन आप इस एच को कम कर रहा हूं, एच को कम करूंगा तो ये यहां कहीं आएगा पॉइंट, मतलब ये वाली सेकेंड होगी, फिर और एच को कम करूंगा तो यहां वाली सेकेंड होगी, जरा देखो तो बच्चों, फिर और एच को कम करूंगा तो ये वाली सेकेंड होगी। ऐसे करते करते क्या कभी हम ये वाली सेकेंड पे पहुंचेंगे? ऐसे ही पीछे को मैं एच को थोड़ा और इधर करूंगा, बढ़ाऊंगा तो आपका इधर वाली ये वाली सेकेंड होगी, फिर ऐसे पीछे ये वाली सेकेंड होगी, आते आते कभी तो ये वाली सेकेंड आएगी। देखो मैं पिंक वाला यूज कर रहा हूं, क्या कभी तो ये वाली सेकेंड आएगी? दोनों कब आ रही है? क्या कर रहा हूं मैं? क्या h की वैल्यू कम करते करते लेके आने पे यहां पहुंच रहा हूं क्या? मतलब h की वैल्यू इतना कम कर दिया कि वो लगभग a के ऊपर आ गया, मतलब राइट साइड में जस्ट यहां पे, जस्ट इसके आगे, जस्ट इसके आगे मैंने किया, यहां पे आपका a प्लस एच कर दिया और जस्ट पीछे मैंने इसको a माइनस एच कर दिया। तो अब इस केस में, यानी जस्ट आगे और जस्ट पीछे,
इस केस में अब इसका राइट साइड का और लेफ्ट साइड की जो डेरिवेटिव है, अगर यहां पे देखो इस यहां पे ये बराबर और यहां पे दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करें, मतलब इधर वाली का स्लोप और इधर वाले का स्लोप क्या हो जाए इक्वल, तो क्या हो जाएगा एक टेंजेंट हो जाएगा, मतलब यूनिक टेंजेंट हो जाएगा। कब? जब यहां पे देखो क्या हमने किया, यहां पे एच को कितना कर दिया, इतना छोटा कि वो ए के पास पहुंच जाए, इतना छोटा कि ए के पास पहुंच जाए। देखो एफ ऑफ ए लगभग एफ ऑफ यानी ए के बराबर हो जाए, यहां भी एच को इतना छोटा कर दिया कि वो ए के पास पहुंच जाए। तो छोटा दिखाने का तरीका हमारा मैथ्स में क्या होता है, छोटा दिखाने का तरीका होता है कि उसको एच उस चीज को टेंडिंग टू जीरो कर दो। मान लो हमको दिखाना है कि एच को हम एकदम बिल्कुल वन के पास कर दें, तो हम दिखा सकते हैं कि एच टेंडिंग टू ए वन, मतलब वन के पास है, या तो इर्द है या तो गिर्द है। इर्द गिर्द का मतलब लेफ्ट या राइट, अगल बगल, जस्ट इधर उधर। तो ये आपका बन गया एच को टेंडिंग टू जीरो का मतलब जस्ट उसके पास पहुंच गया। तो जैसे ही इसके पास पहुंचा तो लेफ्ट वाला डेरिवेटिव और राइट वाला डेरिवेटिव जो दोनों स्लोप था, ये दोनों इक्वल होते ही क्या एक टेंजेंट हो जाएंगे क्या? अभी तक ये दो अलग अलग लाइन थी, अब दोनों एक टेंजेंट हो गई, और एक टेंजेंट होते ही क्या हो जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। एफ यहीं पे एफ एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, देन तब हम क्या कर सकते हैं, देन फंक्शन इज, देखो बच्चों, डिफरेंशिएबल कहां पे, एट एक्स इक्वल टू जो भी पॉइंट पे कह रहा है उस पॉइंट पे। मतलब सारा समस्या की जड़ कौन था, ये दो अलग अलग सेकंड, मैंने एक्स इक्वल टू हटा दिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। मतलब कि क्या करना रहेगा आपको, कुल मिला के जब हम निकालते हैं एलएचडी और आरएचडी क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली सेकंड, राइट हैंड साइड वाली सेकंड, दोनों सेकंड को इस दोनों सेकंड का स्लोप इक्वल कर देते हैं तो वो एक हो जाती है, अदरवाइज दोनों ऐसे रहती हैं, इधर वाली इधर जा रही है, इधर वाली, दो अलग अलग लाइंस हैं। और जिस दिन ये दोनों लाइंस एक हो गई, जिस दिन ये दोनों लाइंस एक हो गई, देखो सिंगल हो गई, तो हम बोलेंगे बस बस ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। और कैसे पता चलता है, तो लेफ्ट वाला का स्लोप निकालते हैं, राइट वाले का स्लोप निकालते हैं, अगर दोनों इक्वल मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल। बात समझ में आ रहा है, इक्वल नहीं तो डिफरेंशिएबल क्यों नहीं, क्योंकि भाई इक्वल है तो ये तो वहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का मतलब ना दोनों टेंजेंट यूनिक टेंजेंसी वाली बात नहीं रह गई, मतलब ये कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिक टेंजेंसी को कंजर्व नहीं किया, मतलब एक टेंजेंट नहीं रही, यही मेन बात है इसका। आई बात समझ में, जरा अब हम बात करेंगे अब दिखाते हैं कि कब ये वाली चीज आपका, कब ये चीज आपका डिफरेंशिएबल, कब, जैसे मैंने आपको कंटिन्यूटी में बताया था कि कॉर्नर होता है, कॉर्नर अगर हो जाता है या आपका कुछ ऐसे चोंच निकल जाता है उस केस में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब वो दिखाने का मौका मिल गया कि सर जी आप अब दिखा दीजिए कि हाँ वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि राइट और लेफ्ट का सेकेंड जो टेंजेंट है वो अलग अलग हो जाएगा, या फिर जो भी आपकी चीज है वो आप दिखा दो। जरा अब आओ देखते हैं कि कब वो चीज आपका वो आपको फंक्शन कब डिफरेंशिएबल नहीं है। आओ नेक्स्ट पे बात करते हैं बच्चों। और बच्चों अभी मैं आपको बताने वाला, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई क्यों फंक्शन में जब ऐसे देखो जब कहीं पे ऐसे चोंच निकल जाता है, तो सर आप बोल रहे थे कि कॉर्नर हो गया या चोंच हो गया या शार्पनेस हो गई तो आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है। देखो कि ये वाला पॉइंट हमने कहा कि देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है आज के दिन पे, ये हमारा वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हमने आपका ये एक्स इक्वल टू कोई ए पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं कहूँ कि अगर इस वाले कर्व के लिए टेंजेंट खींचा जाए, तो देखो इस कर्व के लिए टेंजेंट आपका रहा ये, और इस वाले कर्व के लिए टेंजेंट खींचा जाए तो टेंजेंट रहा ये। क्या ये दोनों टेंजेंट कभी भी इक्वल हैं या इक्वल हो सकती हैं? ये क्या हम ऐसा तो है नहीं कि इसको मोड़ के इधर लेके आ पाऊं, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि पॉइंट यहां है, कर्व इधर जा रही है तो टेंजेंट इधर ही जाएगा। तो ये दो अलग अलग इस पॉइंट पे टेंजेंट आ गई, मतलब दिस डज नॉट कंजर्व द कंसेप्ट ऑफ यूनिक टेंजेंसी, देयरफॉर दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल हेयर, इट डज नॉट कंजर्व द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिक टेंजेंसी देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल। अब आपको बात समझ में आ गई कि फंक्शन
डिफरेंशिएबल। अब आपको समझ में आ गया कि फंक्शन क्यों जब कॉर्नर या शार्पनेस हो जाता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अगर मान लो सिमिलरली कुछ ऐसे भी होता तो आप कहोगे कि सर ये तो दो स्ट्रेट लाइन है, इसकी टेंजेंट क्या, तो इसका टेंजेंट मतलब ये स्लोप, ये वाला स्लोप और ये एक्सिस पे ये वाला स्लोप, दोनों अलग अलग टेंजेंट है, ये वाली इधर इधर, इसकी इसका स्लोप अलग आ रहा है, इसका स्लोप अलग आ रहा है, दोनों का स्लोप सेम नहीं है, इसलिए फंक्शन यहाँ पे फिर से ये नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया, यहाँ पे फिर से नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इसलिए जैसे मॉडुलस फंक्शन को आपको बताया गया कि मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है बट कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब एक बात पूछ रहा हूं मैं यहाँ पे, और कंटिन्यूटी में भी मैंने बताया था कि यहाँ पे कंटिन्यूअस तो है, देख लो कंटिन्यूअस तो है, लेकिन ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ क्योंकि शार्पनेस आ गई। लेकिन क्या शार्पनेस होने से कंटिन्यूटी पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। क्या कॉर्नर होने से कंटिन्यूटी पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। मतलब इसका एक बात हम ये भी आगे अभी लिखाएंगे चल के कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब कि श्योर नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल है मतलब कि वो शार्पनेस कॉर्नर भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो एकदम स्मूथ है। स्मूथ एक वर्ड मैं नाम ले रहा हूं, स्मूथ, स्मूथ का मतलब स्मूथनेस का फील लेना है अगर, तो जैसे घर में डॉगी वगैरह होगा, डॉगी को प्यार से अच्छे से उसके सर से पे हाथ रखना और उसको प्यार से एकदम पीछे, वो होता है ना लैब्राडोर डॉगी टाइप का जो कि वो होते हैं सफेद सफेद वाले क्यूट से डॉगी, उनको आप एकदम सर पे हाथ रखना और सर पे हाथ रख के आप ऐसे जब निकिस सर पे मतलब सर पे हाथ रखते हुए पीछे लेके जाएंगे नीचे उसकी पूंछ तक आप पहुंचिए, आपको ऐसा समझ में आएगा आपके हाथ पे कहीं पे कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं होगा। ऑब्स्टेकल का मतलब कहीं पे आपका हाथ रुकेगा नहीं, एकदम बड़ा स्मूथ तरीके से चला जाएगा, ऐसे एकदम नीचे पूंछ तक चला जाएगा। वो जो डॉग का जो वो जो आपका कर्व बन रहा है ना वो पूरा डिफरेंशिएबल है, कहने का मतलब आपका हाथ कहीं रुका नहीं, कि मतलब आपको फील दे रहा है। आपने ऐसे देखा बोला अरे सर है तो क्या बात है हमारा कुत्ता डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएट मत कर देना, डिफरेंशिएट का मतलब होता है टुकड़ों टुकड़ों में बांटना, ऐसा मत कर देना तुम्हारे कुत्ते को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया कि डिफरेंशिएट कर दिया, ऐसा मत करना। लेकिन वो फील अच्छा है कि स्मूथनेस देखो एकदम स्मूथ है वो, उसका जो सर से लेकर पूंछ तक का जो कर्व बन रहा है पूरा स्मूथ कर्व कहलाएगा, वैसी वाली फील आती है स्मूथनेस पे, डिफरेंशिएबल। अगर वैसा होता है तो हम बोलते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये डिफरेंशिएबल यहां पे नहीं है, बाकी आपका जगह पे डिफरेंशिएबल होगा। ये तो हो गया, हमने क्या पढ़ा, छठे नंबर के पॉइंट पे आते हैं, छठा नंबर का पॉइंट ये है, सातवें नंबर के पॉइंट में मैं बात कर रहा हूं, जरा देखो सातवें नंबर का पॉइंट क्या हो जाएगा। मैंने अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई एलएचडी का एक फार्मूला हमने पढ़ लिया, क्या फार्मूला पढ़ लिया, लिमिट। देखो मैं ये फार्मूला है रट जाना है, मैं दो तीन बार लिखूंगा अपने आज के लेक्चर के दौरान, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। आप देखो तो यही था एलएचडी का फार्मूला, आरएचडी का लिमिट एच टेंडिंग टू ए एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस सॉरी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन प्लस एच। क्या होता है ना बच्चों, मैक्सिमम टाइम पे ये एच टेंडिंग टू जीरो है, मैक्सिमम टाइम पे गलती क्या हो जाती है कि आप एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए करते हो नीचे माइनस एच लिखना भूल जाते हो, मतलब क्या आपसे नीचे वहां नीचे माइनस एच लिखने की मिस्टेक हो जाती है, मतलब माइनस एच की जगह प्लस एच लिखा जाता है। तो ध्यान देना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं यहाँ पे, मैं जहां पे आपसे गलती होगी उसी पे मैं जोर दे रहा हूं, क्या यहाँ पे आपका एलएचडी में ए माइनस एच जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आ रहा है, आरएचडी में जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आ रहा है। और दूसरा सुनो, आप इसको भी लिखने का एक और रिप्रेजेंटेशन होता है एफ डैश ए माइनस, मतलब एफ डैश ए माइनस मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव ए माइनस मतलब ए के पीछे, और ए के पीछे का मतलब एलएचडी, पीछे का मतलब एलएचडी, और ये आपको लिखने का तरीका है एफ डैश ए प्लस मतलब फंक्शन का डैश का मतलब डेरिवेटिव, प्राइम बोलते हैं, एक्चुअल वर्ड होता है एफ प्राइम, लेकिन हम बचपन से करते आ रहे हैं डैश तो वो चीज होती है ना कि वो आदत में बन गई है, आपकी भी आदत बन गई हो, लेकिन एक्चुअल वर्ड होता है एफ प्राइम। तो एफ डैश ए प्लस का मतलब फंक्शन का प्राइम डेरिवेटिव बता रहा है, ए का मतलब ए पे प्लस का मतलब जस्ट आगे, तो ए के जस्ट आगे
आरएचडी और एक के जस्ट पीछे एलएचडी डेरिवेटिव की बात की जाएगी। तो ये दो आपको फार्मूले पता चला, ये दोनों। तीसरा एक और फार्मूला अगर हम कहें, जो कि बड़ा काम का फार्मूला है, अगर मतलब ये जो है कि एलएचडी और आरएचडी ये दोनों तो आप कहेगा। अब मैंने क्या एक और बात क्या बताया कि इफ एफएक्स इज डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए देन एलएचडी इज इक्वल टू आरएचडी, ठीक है, एलएचडी इक्वल टू आरएचडी होगा एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, ये बस ये काम चोरों के काम है, मतलब ये जो है कि हमें लिखने के कम लिखना चाहते हैं इसलिए वाइस वर्सा यूज कर लिए। इसका मतलब हुआ कि अगर एलएचडी आरएचडी बराबर हो तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आठवें नंबर पे एक पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, जिसका नाम है डिफरेंशियल कोफिशियंट। डिफरेंशियल कोफिशियंट, डिफरेंशियल कोफिशियंट, ये ऐसी बात है कि जो है तो अगले चैप्टर का, अगला चैप्टर मतलब एमओडी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का है, लेकिन यहीं पे वो चीज मैं बता दे रहा हूं, अगले चैप्टर जाते जाते हम भूल जाते हैं, जब अगले चैप्टर में फिर मैं पूछता हूं तो आप भूल जाते हो कि सर ये क्या, कहां से नया नाम आ गया। डिफरेंशियल कोफिशियंट, अगर इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल देखो इसके ऊपर ही लिखने का मतलब होता है डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए देन एफ डैश ए इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशियंट। डिफरेंशियल कोफिशियंट क्या क्या क्या, अच्छा एफ डैश ए, एफ डैश ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, एफ डैश ए की वैल्यू वही हो जाएगी जो एल एच डी की वैल्यू होगी, जो आर एच डी की वैल्यू होगी, क्योंकि ये दोनों खुद में क्या थे, एलएचडी आरएचडी खुद में क्या था, इक्वल था। तो आपका फाइनली एक बात और है डिफरेंशियल कोफिशियंट कि एलएचडी बराबर आरएचडी, कई बार ऐसे भी हम निकालते हैं, और जब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो डायरेक्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स इक्वल टू वन रखेंगे, फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर एक्स इक्वल टू वन रखेंगे, तो जो वैल्यू है कि हम बोलेंगे दिस इज डिफरेंशियल कोफिशियंट। आई बात समझ में, तो जरा फिर से इन फार्मूलों के एक बार और लिखते हैं, एक बार और लिखते हुए एक और नया फार्मूला मैं आपको देने वाला हूं, आओ जरा नेक्स्ट पे देखते हैं आपका आठवां पॉइंट।